बिहार पंचायत चुनाव में वोट देने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की है। जिन मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाए हैं अथवा जो मतदाता विशेष कारणवश अपना पहचान पत्र मतदान के लिए पिटिशन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है, उन्हें 16 दस्तावेजों में से कोई भी एक अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है। निर्वाचन के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि इन दस्तावेजों की मान्यता तब दी जाएगी जब वे मूल रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। फोटोकॉपी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर ही वोट देने जाना है। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त 16 दस्तावेजों में अगर कोई भी दस्तावेज परिवार के मुख्य के नाम से हो तो उसे भी परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसमें शर्त है कि वो सभी एक साथ होना चाहिए। तो आधार कार्ड हैं, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड हैं, नरेगा के तहत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन के तहत भारत के माँ पंजीयन द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड हैं, बैंक और डाकघर के द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक हैं, आयकर पहचान पत्र यानी पैन कार्ड हैं, राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालय व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वास्थ्य निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, सांसदों विधायकों पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र हैं, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र हैं, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता पहचान पत्र हैं, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक शिक्षोत्तरीकर्मी विद्यार्थी के फोटोयुक्त पहचान पत्र। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।